आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता कठपुतली और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस कविता में जो कवि है उन्होंने कठपुतलियों के जो मन के दुख को बताया है, दर्शाया है अपनी पंक्तियों के माध्यम से। तो जो कठपुतली होती है वो क्या होता है, बहुत से धागों से बंधी होती है। अब उन धागों से बंधे बंधे जो है वो कठपुतली परेशान हो चुकी हैं और उनको अब दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख को बाहर निकालने के लिए क्या करती है, एक कठपुतली विद्रोह कर देती है कि मुझे अब इस तरह से नहीं रहना है, मुझे इन बंधनों को तोड़ना है और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ मैं। तो फिर जब वो अपनी आज़ाद होने की इच्छा व्यक्त करती है और तो क्या करती है, जब दूसरी कठपुतली उसकी बात सुनती है तो उस पर सहमत होती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि स्वतंत्र होकर, वो भी कहती है हम भी ऐसी ही जीवन जीना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। पर जब पहली कठपुतली इन सभी कठपुतलियों की बातें सुनती है और सोचती है कि इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर है, तो वह सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे ऐसा कदम उठाए या फिर उसने जो इस कदम उठाया वो सही है या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो जो कठपुतली है वो धागों से बंधी हुई एक गुड़िया होती है जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। तो जो वो कठपुतली है वो गुस्से पे, मतलब बहुत क्रोध, बहुत तेज उसको गुस्सा आ रहा था और वो अपने, क्यों, क्योंकि वो धागों में बंधी हुई थी। तो इन पंक्तियों में जो कवि ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है कि कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो चुकी है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। तो वह गुस्से में क्या कहती है कि जो मेरे आगे पीछे धागे बंधे हैं सभी तोड़ दो और अब मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो, मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहती हूँ, अब मैं बंधकर नहीं रहना चाहती। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और मतलब दूसरी कठपुतलियां, जैसे ही पहली कठपुतली विद्रोह करती है कि वो स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती है, अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती है, तो जो बाकी की कठपुतलियां हैं तो वो भी अपने मन को भाव दर्शाती हैं पहली कठपुतली की बात सुनकर कि वो भी आज़ाद होना चाहती हैं, वो भी सिर उठाकर जीना चाहती है, वो भी बंधन मुक्त होकर जीना चाहती हैं। वे सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी कि सचमुच बहुत दिन हुए उन्हें अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं की। मन के छंद छुए इसका मतलब क्या है, मन की बात सुनना, कि वो अपने मन अनुसार तो कुछ भी काम नहीं कर रही थी, जैसे उनको नचाया जा रहा था वो वैसे ही नाच रही थी। तो वो पहली कठपुतली की जैसी बात सुनती है वो कहती है कि हाँ बहुत समय हो गया है हमें भी अपनी मन के अनुसार जो हम करना चाहते हैं वैसा काम किए, उन्हें अपनी मर्जी से काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा। और सभी जो कठपुतलियाँ हैं विरोध करने के लिए तैयार हो जाती हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा मतलब चाहत, मतलब कोई विश। तो कविता की इन अंतिम पंक्तियों में जो कवि ने पहली कठपुतली के मन के एक कन्फ्यूजन, असमंजस, मतलब कन्फ्यूजन के भावों को दर्शाया है कि अरे अब जैसे उसने विद्रोह किया तो बाकी सब भी उसमें आ गई। तो जब बाकी सब कठपुतलियां पहली कठपुतलियों की स्वतंत्रता की बात का समर्थन करने लगी कि हाँ हाँ बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो पहली कठपुतली क्या हो गया, वो सोचने लगी क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उनकी इच्छा जायज है। तो अंतिम पंक्तियों में उन्होंने इन्हीं मन के भावों को समर्पित किया है। तो आज हमने पढ़ी श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता कठपुतली और इसमें कवि ने क्या बताया है, स्वतंत्रता का महत्व बताया है कि जो गुलामी रूपी धागे हैं उनसे, बंधनों से मुक्त होकर जो एक कठपुतली है वो कहती है कि मुझे बंधनों से मुक्त होना है, मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने जो मन मर्जी है वो काम करना चाहती हूँ, मुझे किसी के इशारों पर नहीं नाचना। जब पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियाँ सुनती है तो वो भी उसकी बात से सहमत होती हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो,
पर जब वो सोचती है कि दूसरी सब कठपुतलियों की भी स्वतंत्रता उसकी जिम्मेदारी है, तो उसको भय लगने लगता है कि क्या जो उसके मन में इच्छा आई है उसकी वजह से उसकी सहेलियाँ मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगी, कि आज़ादी हासिल करना तो कठिन होता है ना। तो इसलिए तो इस कविता के माध्यम से लोगों, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उन्होंने सामान्य लोगों को एक कठपुतली के माध्यम से दर्शाया है कि वो जो हैं गुलामी में बंधे हुए हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाते, तो वो इन धागों से तोड़कर वो एक अपनी इच्छा अनुसार जीवन, आज़ादी का जीवन जीना चाहते हैं।